कैलकुलेटर बंद हो रहा है, नो फ्रिल्स ये बंद है, खोल लो जल्दी, बैठो रे बाबा, नो फ्रिल्स बंद हो रहा है, 10 मिनट में बंद हो रहा है, बंद हो रहा है भाई साहब 10 मिनट में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डेट 26 जून और सुबह के बजे हैं 9:10 के आसपास, और उठ लें अपन अब आगे जाने को। अभी हम थंडर बे में, तो नीचे खड़ी है कार, बस सामान उठा के ना उठ जाना है, नीचे पैक करके ना। ये हैं दिवांशु, रेडी हो लिए पूरे पूरे, तो अभी बस हमने जाना है ब्रेकफास्ट करने एक बार भाग के ना, और 10 बजे बंद हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा जल्दी से भाग के जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर अपने छोटे छोटे दो ही बैग हैं देखा जाए तो बस ये दो बैग उठाने और उसके बाद निकल लेंगे हम। क्विक रूम टूर भी दे देता हूँ, चलो फिर यहाँ कहोगे बताया नहीं। तो ये है छोटा सा अपने यहाँ पे मोटेल्स होते हैं, होटल तो मिला नहीं हमें कोई, तो बहुत ही छोटा अपने दो क्वीन साइज़ बेड है, डबल है क्वीन साइज़ है, और बस यही है छोटा मोटा। अब जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको पता है सोने को जगह चाहिए होती है, तो बस इतना भी अगर मिल जाता है तो मोर देन सफिशियंट है। तो चलो अभी बाकी ना चलते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद टाइम से निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो भैया अपन हो लिए रेडी जाने के लिए, बस अब 5 मिनट में सामान रख रहे हैं कार में, और यहाँ से भी 7 घंटे के आसपास की ड्राइव और है हमारी, तो जल्दी निकलते हैं, बस सामान हो गया पैक सारा, अब तो उठा के ना और कार में ही रखना है। तो भाई मैं मोटेल का और बता देता हूँ, $120 का पड़ा तीनों का मिला के, 7,500 रुपये बनते हैं। तो भाई मोटेल से आ गए हैं बाहर, और कार की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इसको वॉश करवाना है सबसे पहले। मौसम बड़ा बढ़िया है ये मानना पड़ेगा, यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी है। अगर टोरंटो की बात करें, अपने ओंटेरियो के उधर पार्ट की बात करें, वहाँ पे तो हमारे गर्मी होनी शुरू हो गई थी, हम तो कपड़े भी गर्मियों वाले लेके आए थे, बट अब लग रहा है गलती हो गई, हुडी जो है वो निकालनी पड़ गई। तो अभी बैठना हमने पीछे, क्योंकि अब मैं करूँगा काम, आज ऑफिस का काफ़ी सारा जो काम है वो पेंडिंग है मेरा, तो मैं बैठूँगा पीछे और ये चलाएँगे अब कार। तो अभी ओलिए भाई रेडी चलने को, सारा सामान हो गया पैक, और मैं अपना जो लैपटॉप है उसको लगा लिया मैंने चार्ज, सुबह सुबह छोटे मोटे काम है तो वो निपटा देते हैं ऑफिस के। दिवांशु ड्राइव कर रहे हैं, को पायलट रहेंगे वरुण, और मैं अपना काम जो है वो निपटा दूंगा लगे हाथ। तो ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है वैसे, इंटरनेट का बड़ा फ़ायदा हो गया, टेस्ला वालों को मैं डेली सुबह उठ के ना थैंक यू बोलता हूँ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट्सेल्फ। आ जाओ चलो चलते। तो भाई मोटेल से बाहर निकलते ही हमें दिखी ट्रेन, यहाँ की जो अपनी मालगाड़ी है वो दिखा देते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, एक बार आ गई 45 मिनट फाटक जो है वो बंद रहेगा। तो भाई हम निकल लिए एक पीजन रिवर पॉइंट बोलते हैं वहाँ पे जाने को, वहाँ पे US कैनेडा बॉर्डर है, बट वहाँ पहुँचने से पहले एक पार्क में रुके और वहाँ पे लोगों का जो रिस्पॉन्स है इस मैप को देख के कार के ऊपर वो देखने लायक था। UK से और यहाँ से ग्रुप आए हुए थे पूरे के पूरे, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि हम यहाँ कैनेडा से कार को लेकर और उधर पे जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ से तो यहाँ काफ़ी आते हैं बट हमारे वाले नहीं जाते बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम निकल लिए पीजन रिवर पॉइंट की तरफ, 40 मिनट की ड्राइव थी यहाँ से, और अगर आप मैप में देखो ये रिवर जो है इसके राइट साइड में US पड़ता है और लेफ्ट में कैनेडा, हम इस रिवर के बिल्कुल ही पास गए हुए थे, मैं दिखाता हूँ देखो। तो भाई जस्ट अभी हम पहुँचे यहाँ पे एक पीजन रिवर पॉइंट करके ना है वहाँ पे, तो जो पीछे आप मेरे रिवर देख रहे हैं इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। तो जिधर हम खड़े हैं वो है फ़िलहाल कैनेडा में, और अगर आप रिवर की दूसरी साइड में देखें तो वो है US। अगर देखा जाए यहाँ से आप पत्थर उठा के भी फेंके उधर पे तो भी US में जाके गिरेगा, और रिवर में पानी बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया कनाडा के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो कि बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड हैं, और कनाडा और US के बीच में बिल्कुल ही बहुत पतली पतली जगह हैं जहाँ से कि बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है। तो सिमिलर है भाई, दो कंट्री जब भी ऐसा रहता है कि अभी दोनों ही ग्रो किए हुए हैं, दोनों ही बढ़िया कंट्री हैं, तो उस केस में यूँ रहता है ज़्यादा आपको बॉर्डर जो भी अपनी फोर्सेज उसमें ज़्यादा टाइम और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोटेक्ट करने का ऐसा कुछ है नहीं दोनों के पास में। तो चलो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और आगे, विनिपेग जाना है अभी शाम को हमने, तो उससे पहले पहले थोड़ा बहुत लोकल में इधर घूम रहे थे, अब यहाँ क्या जो है घूमना फिरना वो गया है हो, तो थोड़ा अब निकलते हैं हम आगे। तो भाई पिजन रिवर पॉइंट से निकल लिए हम, और यहाँ पे देखने वाला ऐसा कुछ था नहीं, छोटा सा अपना यू ही है कि बस एक व्यू पॉइंट ही था। तो अब यहाँ से निकलना हमने मैनिटोबा, और अप्रॉक्सीमेट 8 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो दिवांशु कर रहे हैं ड्राइव और मैं फिर अपना करूँगा थोड़ी देर काम। और बहुत ही ज़्यादा सीनिक जो ड्राइव है बाहर की वो है, अपने मनाली साइड में जाते हैं यूँ समझ लो, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है, तो रास्ते में आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया सीनिक ब्यूटी। अभी मुझे एक ड्राफ्ट करना है डॉक्यूमेंट, तो मैं करता हूँ अपना काम, चलो मिलते हैं बीच में, दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया आपको सीनिक ब्यूटी। तो भाई अभी अपना थंडर बे से निकले हुए बड़ी मुश्किल से 30-35 मिनट हुए होंगे,
और कार में पेट्रोल नहीं था, मैंने दिवांशु को बोला था वहाँ से निकलने से पहले, मगर इसमें डलवा लेते हैं और भरवा लेते हैं इसको फुल। बट दिवांशु का आपको पता ही है, इनकी आदत है ओवर स्मार्ट बनने की, तो बोले नहीं 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 इसमें रास्ते में से डलवा लेंगे। अब यहाँ पे जो मसला पड़ रहा है वो ये कि प्रीमियम जो पेट्रोल है वो डलता है अपने इसमें। प्रीमियम पेट्रोल का मतलब हो गया 91 ऑक्टेन का मिनिमम, और 91 ऑक्टेन इनके पास में यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो ये जो गैस स्टेशन है इस पे सारे हैं नॉर्मल जो पेट्रोल होता है अपना वो और डीजल। तो अभी मैं पूछ के आया था अंदर कि यहाँ भी क्या इसका हिसाब किताब है और आगे कोई ऐसा पेट्रोल पंप है क्या जिस पे मिलता हो। साथ में हमने यहाँ से ऑर्डर कर दी चाय, तो वो तो नहीं मिल रहा पेट्रोल का, तो इन्होंने बता दिया कि प्रीमियम यहाँ पे नहीं है, बट उसका सोल्यूशन अवेलेबल है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो ऐसी जो सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारे पास में पेट्रोल 91 ऑक्टेन ना हो जो प्रीमियम पेट्रोल, तो ये आते हैं इनके पास में, इन्हें बोलते हैं अपना सॉरी ये वाला, इन्हें बोलते हैं डॉक्टर बूस्टर, सॉरी ऑक्टेन बूस्टर। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया होगा मगर ये वाले बड़े अच्छी चीज़ है, ये जब हम यूरोप में जाएंगे वहाँ से लेंगे। तो ये अगर आप टैंक में मिला देते हो तो इट विल बूस्ट टू द ऑक्टेन। साथ में एक बार हमें ये भी शायद लेना पड़ सकता है, तो इससे थोड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो 88 ऑक्टेन है यहाँ पे वो बढ़ के ना 91 हो जाएगा। चलो एक वैसे मैं बता देता हूँ जो कहते हैं कैनेडा में सामान कौन सा मिलता और कौन सा नहीं। अपने इंडिया की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ भी मिलती हैं, चाहे वो पार्ले जी हो, चाहे वो अपना हल्दीराम्स की भुजिया हो, चाहे पे अपनी जो मेरी फेवरेट नवरत्न मिक्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ भी मिलती हैं प्रॉपर। तो ये भी हमने एक डिब्बा भर के ले लिया रास्ते में खाने का, साथ में हमने रख ली है पानी की एक पूरी की पूरी करेट। इधर पे वो भी LCBO भी है इनके पास में, बट जो कि हम ड्रिंक करते नहीं तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो चलो चलते हैं बाहर खाना लेके ना। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पर, तेल भराने का विचार था लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से यहाँ पे हमें ऑक्टेन बूस्टर वाला तेल डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम तेल दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। और ये बेवकूफ़ लोग, वो दिख रहा है तुम्हें वो काला चश्मा पहन के खड़ा, अपने आपको बाबूजी समझाए, वही बात हो रही है। तो अब ऑक्टेन बूस्टर डालेंगे भाई उस तरीके से। और यहाँ पर भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, वहाँ से हमने चाय ली भाई, एक नंबर चाय है, मज़ा आ गया। तो भाई ये एक पैकेट हमने इसमें डाल दिया ऑक्टेन बूस्टर का, इसके बाद में हम चले गए इसमें पेट्रोल डाल के और अपनी ये पैटी और चाय पीने। तो काफ़ी बढ़िया चाय मिली यहाँ पे और रेट भी काफ़ी सही था, $5 के आसपास, 250 रुपये मान लो, 300 मान लो। उसके बाद हम निकल लिए आगे अपने रास्ते पे, बहुत ही बढ़िया सनसेट का टाइम हो गया था, बट खाने का हमारे पास आइटम नहीं था तो एक बार रुके, एक बार बीच में रुके हम वॉलमार्ट के ऊपर, दो तीन ग्रोसरी के सामान लेने थे। अब आगे हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मसला ये पड़ेगा कि 800-900 किलोमीटर तक काफ़ी ज़्यादा रिमोट है, तो कभी खाने को कुछ ना मिले और पूरी रात की ड्राइविंग है। तो इस ब्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है क्योंकि इससे आगे बस अपने यहाँ से सामान लेने के बाद में और 8-9 घंटे की ड्राइव ही है बस सीधे सीधे। तो चलो फिर मैं कल मिलता हूँ और इसको मैं अभी अपलोड लगा ही दूंगा। तो भाई जो वीडियो एंड होनी थी वो हुई नहीं, वहाँ पे वॉलमार्ट जो है वो बंद हो गया, यहाँ पे टाइम जोन का भी फ़र्क है तो थोड़ा हमारी समझ से भी बाहर चल रहा है अभी कौन से टाइम जोन में और कब बंद हो रहे हैं। वैसे तो वॉलमार्ट 11 बजे तक बंद होता है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे, आगे ही कहीं पर अरेंज करते हैं जो खाने पीने का आइटम है वो। कुछ भी हो जाए तो भाई जो मेन मसला है वो ब्रेड का पड़ रहा है क्योंकि आगे थोड़ा दूर जाना है हमने, तो अगर कुछ खाने का रहता है तो उसमें थोड़ा सा यूं है सेफ्टी रहती है, 8-9 घंटे की ड्राइव और बीच में कई बार बिल्कुल ही रिमोट आ जाता है यहाँ पे, तो सारी जगह जो है वो ऐसी हो जाते हैं, कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलता। तो ये है वो रोड जो जाएगा विनिपेग, यारे जाए ना। तो अब ये सामने एक और स्टोर है अपना, नो फ्रिल्स बोलते हैं इसको, इसमें जा रहे हैं भाग के हम, अगर यहाँ से कुछ मिल पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चाहिए तो बस एक ब्रेड का पैकेट, बाकी तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ब्रेड ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे, दैट्स इट, लाइक केले ले लेंगे। फ्रूट्स की जरूरत तो खैर नहीं है। किसकी? फ्रूट्स की नहीं, नहीं केलों की जरूरत बहुत है भाई, पेट में गुड फॉर योर गट वाली बात है। ले आओगे? चलो, मर्जी आपकी, आपकी मर्जी, चल पड़े। चलो भाई चलता हूँ, इनको शॉपिंग आती नहीं है तो ऐसा ना हो कि इनको लूट ले कोई अंदर, तो इनको महंगा भी लगा देते हैं आइटम, या फिर हम इनको लूट लें जरूर। तो ये है नोफ्रिल्स यहाँ पे, चलो चलते हैं एक बार, भाग के जाना पड़ेगा नहीं तो गेट बंद कर देंगे। कर दिया
सो कर ही दिया मुझे लग रहा है, जो डोर बंद है वो नहीं बच गए, छोड़ दिया। चलो पहुंच गए अब तो। अभी आपस में लड़ रहे हैं मल्टीग्रेन लेनी है कौन सी लेनी है ब्रेड, तब तक के लिए मैं थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ आप लोगों को। तो और तो ऐसा कुछ है नहीं आइटम यहाँ से जो लेना, तो जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि और ज़्यादा डिले हो जाए। जब आई गए हैं थोड़ा बहुत जूस वगैरह भी ले लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि रास्ते में कुछ खा लें, नींद ना आए। वैसे तो मैं नॉर्मली रेडबुल पीता हूँ ड्राइव करते टाइम, तो ये वाले हैं यहाँ पे जूस के जो अपने मिनट मेड जो इंडिया में आता है, सेम वही है, सिमिलर सही है। देख लो इनमें से एप्पल या पाइन एप्पल वाले में से ले लो, बेस्ट है। हाँ थोड़ा हम सेहत का ध्यान दे रहे हैं, जो टारगेट है वो ये कि थोड़ा टमी आना शुरू हो गया है तो इसको कम किया जाए यूरोप पहुंचने से पहले पहले, क्योंकि वहाँ पे वो टोमाटिनो फेस्टिवल है और उसमें थोड़ा सा चाह रहे हैं हम भी कि यहाँ अच्छे से दिखें। तो तीनों के फैट आ रखे हैं, मेरे और दिवांशु के थोड़ा ज़्यादा है, वरुण के ठीक ठाक ही है। तो चलो अभी निकल रहे हैं यहाँ से बिल करवा के, उसके बाद में लेके चलते हैं आपको विनिपेग या फिर रजाइना। तो भाई पाइनएप्पल वाला एक ही जूस लिया है, अभी हमारे पास वो नहीं है, जहाँ से कार हमने शिप करवानी है इंडिया उन्होंने परमिशन नहीं दी इसमें फ्रिज वगैरह लेके जाने की, तो अभी हम बहुत कम सामान लेके जा रहे हैं, तो फ्रिज हमारी कार में नहीं है, तो हम उतना ही सामान लेते हैं जितना हम पी पाएँ राइट अभी और खा पाएँ। तो चलो अब चलते हैं बिलिंग करवाने जल्दी से, और तो कुछ ऐसा सामान लेना भी नहीं है हमें, तो चलो जल्दी चलते हैं फिर। बाकी सामान तो मिल गया है हमें, हालांकि दिवांशु को इन्होंने लताड़ा अच्छे से कि भैया लेट क्यों आते हैं ऐसे। वैसे मैं बता दूं हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी है, बाहर जब मैं आता हूँ तब तो इनको मेरी वजह से ज़्यादा लोग कुछ कहते भी नहीं। These guys were so generous that they waited for 5 minutes even after the store was closed. So, and यहाँ पे मतलब ये कैनेडियन कल्चर है गाइस कि मतलब कनाडा में लोग ही अच्छे हैं यार। ये बात तो सच है, वरना अपनी दुकान अपने वहां पर होते तो अभी तो लोग गाड़ी पर भगा देते, मतलब जाते क्यों ना भाई। चलो दिख लो यार, चलो डालो जल्दी से सामान, वो फिर भी भूल गए पर चलो दैट्स क्या भूल गए। ओ लेट्स गो गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे और इसमें दिखाने का कुछ है नहीं, पूरी रात को ड्राइव ही है, तो चलो मैं इसको करता हूँ यहीं पे एंड और कल मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर।